अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में वो है क्या, आइए समझते हैं। अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे उसी में से 2,200 करोड़ रुपए, 2,200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। इससे हड़कंप मच गया। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है SEC, जैसे हमारे यहां सेबी है वैसे वहां पर SEC है, SEC और FBI ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। लेकिन कितने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में घूस देने का मामला, हिंदुस्तान में सेबी से झूठ बोलने का मामला, अमेरिका में इस पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, अमेरिका में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और अचरज की बात यह है कि जब यह सारा मामला सामने आया तो उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूद पड़ी है मानो उन्हीं के हों। अरे मोदी अडानी थोड़ा पर्दे के पीछे रहने दीजिए, पर्दे के आगे तो थोड़ा दूरी बनाए रखते, लेकिन असल में भाजपा के लोग अडानी का बचाव